नमस्कार आम सहर को स्वागत करेदिता बुलेटिन आरंभ करिबा हेडलाइंस केन्द्र पर राज्य तेल उपरूका भाट ह्रास कले ओडिशा सरकार पेट्रोल और डीजल उपरूका भाट कमाइले सरकार गतकाली पेट्रोल रु 5 डीजेल रु 10 टका उत्पाद शुल्क कमाइथिला केन्द्र ममिता मेहर मर्डर मामला सरकार को निरवता को नहीं बीजेपी युव मोर्चा सभापति प्रश्न गृहराष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र जोठिक भी जीवे से कला पता प्रदर्शन करने को चेतावनी बालेश्वर कुरुड़ा हत्याकांड घटन पुलिस को सुराग हत्याकांड पर नदी को बाणास्त्र बंधुक फिंगी सूचना एनडीआरएफ साहय नदी में चली तलाशी संबलपुर धनुपाली सुनापाली अंचल में छातीथरा घटना पांच मासर शिशु को चप्पल ने पिटिले महिला सोशल मीडिया रे वीडियो वायरल थाना रे लिखित अभियोग कले बापा मुंड में आघात लगी सूचना बरगड़ घेन्स रेंज रे क्राइम ब्रांच एसटीएफ और वन विभाग मिलित चढ़ाऊ गोटे जीवंत वज्रकाप्ता उद्धार जड़े गिरफ डिल बेले माड़ बसला एसटीएफ आज आलोकर पर्व दीपावली पिंडदान बड़बड़ुआ को डाकिबा परंपरा पिठा मिठा खाई बाण फुटाइबे लोके सेपटे कालीपूजा पाई उत्सव मुखर सारा राज्य कटकणारे चली पूजा आलोकर पर्व में देशवासी को शुभेच्छा जणाइले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राज्यवासी को कालीपूजा और दीपावली शुभेच्छा जणाइले राज्यपाल और मुख्यमंत्री आनंद उद्दीपना सह शुभकामना जणाइले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और राज्य बीजेपी सभापति समीर महा एवं दीपावली में जगा दर्शन मना पुरी सहरवासी जिला प्रशासन जारी कला कटक कोरोना संक्रमण दृष्टि श्रीमंदिर चारिपटे 144 धारा लागू सिंदर सामने काउरिया जालिबा बारण बड़दाण्ड में श्राद्ध दे श्रद्धा केन्द्र पर राज्य तेलरु 3 टंका भाट ह्रास कला ओडिशा तेल उपरे 3 टंका भाट ह्रास कले ओडिशा सरकार पेट्रोल और डीजेल उपरु 3 टंका भाट कमाइछंती सरकार आसंता काली मध्यरात्रिरु लागू हेबा परवर्ती ह्रास दर गतकाली पेट्रोल रु 5 डीजेल रु 10 टंका उत्पाद शुल्क कमाइथिला केन्द्र देखु केन्द्र सरकार जो निष्पत्ति काली नेले वास्तव में एक ऐतिहासिक निष्पत्ति एत बड़ स्लाब रे कौन सी समय रे एक्साइज ड्यूटी कटा जा नथिला समस्त आम जाणीचे जे केन्द्र सरकार को उपरे जो विराट बड़ बोझ पड़ी कोविड विरुद्ध दुई वर्ष लड़ई कारण वैक्सीनेशन रे व्यापक अर्थ पाखापाखी लक्षे कोटी पाखापाखी वैक्सीनेशन लक्षे कोटी ऊर्ध हम वैक्सीनेशन बाबद केन्द्र सरकार खर्च करके मागणा वैक्सीनेशन कले पूरा देश में द्वितीय कथा हूँ जे जो भली भाव में मागणा ट्रीटमेंट आरंभ करी गरीब कल्याण योजना पर्यंत विभिन्न कथा को लेकिन चलते केन्द्र सरकार विराट बड़ बोझ था किंतु जेहेतु साधारण लोकंर पकेट को सुट कला भाया साधारण लोक असुविधा नपड़ू से केन्द्र सरकार एक्साइज ड्यूटी राजकोषर पचे अवस्था जहाँ कि एक्साइज ड्यूटी एडजस्ट कले निश्चित भाव में प्रधानमंत्री को से धन्यवाद देवा कथा आज तापर पर विभिन्न राज्य जो बीजेपी शासित राज्य गुड़िक से तुरंत घोषणा कले भैट्रे आम कम करू आज ओडिशा प्रदेश सरकार एवं घोषणा कले मुझे शुणिली निश्चित भाव में राज्य सरकार को भी आम धन्यवाद दबू ए किंतु जो निष्पत्ति राज्य सरकार नौचंती मो कह कथा चापर वशवर्ती से कथा न करूँ स्पंटानियसली जितेबाला आंदोलन करने राजनैतिक दल रास्ता पर ओल्लैला सेतबाद जदिने से बाबद घोषणा करी राजनीति ओल्ल था आंदोलन करने राजनीति करने निश्चित भाव से सुगम होता लोक अधिका आप्रिसीएट कर कथा कम दरकार जहाँ पजिट गोटे इनिशिएटिव नहीं लेट अस सी फ्लक्चुएसन कौन होरेस्पंडिंग भाव में राज्य भी कमुच राज्य में जी 10 टाँग कमिला आम भी 3 टाँग कमिला एवं सेठी टंके सेठी भी कमिला ये तो कमुच अबिका 3 टाँग आ टंके सेठी कमिला नहीं
ममिता मेहर बॉर्डर मामला मामलें राज्य सरकार को निरवता को नहीं प्रश्न करी बीजेपी युव मोर्चा से हीपरी गृह राष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र जो स्थान को जिबे तांको विरोध करा कलापता प्रदर्शन बीजेपी युव मोर्चा सभापति राशिष आचार्य मुख्यमंत्री कलाहां गस्त बेले कलापता देखा नहीं युव मोर्चार चेतावनी तेज जेपर्यंत दिव्यशंकर मिश्र को मंत्रिमंडल बहिष्कार करव मोर्चा आंदोलन को तीव्रतर कर चेतावनी बीजेपी सेपटे दीपावली में ममिता आत्मार दीपदान करने को अनुरोध करजेपी राज्य सभापति समीर महांती आह्वान क्रमे ममिता दीपटीए ममिता आत्मार सद्गति लगी दीपटीए दान राज्यवासी को नवेदन करजेपी युव मोर्चा सभापति राशिष आचार्य पुलिस नाली आखि को डर ना लड़े को आहरी शाणित करोरदार हो आमे जो कथा कहीचु जे लड़ई 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 हेब आगामी दिन रे लड़ई तीव्रतर हेब कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र जे कि गृह राज्य मंत्री जो जगह को जिबे युव मोर्चा तार दृढ़ प्रतिवाद करिब कला पता प्रदर्शन करिब एवं जे पर्यंत मुख्यमंत्री ए विषय कथा रखि नहंती जे पर्यंत मुख्यमंत्री जे कि गृह विभाग मंत्री जे कि पुलिस विभाग मंत्री जे पर्यंत कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्रंकर इस्तफा न नहींचंती से पर्यंत मुख्यमंत्री को मध्य भारतीय जनता युव मोर्चा तांको ग्रस्त को तीव्र भाव सबु जगार विरोध करिवो। बालेश्वर कुरुडा हत्याकांड घटन पुलिस को सुराग हत्याकांड पर नदी को बाणास्त्र और बंदूक फिंगी देता जाणी पर एनडीआरएफ साहाज्य खोजाखोजी आरंभ हो गत 31 तारीख में कुरुडा छक गुलिकांड घटन सदर थाना पुलिस पांचज अभियुक्त को गिरफ्त कर कोर्ट चलाण कर तेरे पूर्व शत्रुतारू सदर थाना शासन पंचायत जगन्नाथ पाटण अंचल विनोद बिहारी दास को गुड़ी सह खंडारे हाणी हत्या करा जायतला ओने विनोद को बापा सदर थाना लिखित अभियोग करते घटना पुलिस तदंत करी पांच जन को गिरफ्त करने सेमानक निकटरू दुईट तेलेंगा कटुरी गोटे छुरी छटी मोबाइल फोन सह एक टीवीएस मोटरसाइकेल को जबत कर गिरफ्त पांच जन जड़े महिला थी जमापड़ तेरे बालेश्वर कुरुडा हत्याकांड घटन पुलिस को सुराग मिली अधिक आलोचना करिबा प्रकाश महांती आम बालेश्वर प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी प्रकाश हत्याकांड पर नदी को बाणास्त्र बंदूक फिंगी देखा पुलिस जानवाक पाई एनडीआरएफ साहाज्य खोजाखोजी आरंभ हो बाबद कौन अपडेट देवा चाहिए देखते निमित्ता गत 31 तारीख दिन जो विनोद बिहारी दास को अति निकट गुली करापर तांको खंडा और भुजाल हाणी हत्या करते ए घटन गत काली सदर थाना पुलिस अर्थात विनोद बिहारी बापा जितने अभियोग कले कि जो मैंने मो पु को मारी जो मैंने संप्रक्त अच्छा से तुरंत पुलिस गिरफ्त करू और कठोर कठोर दंड दूता परवर्त समय सदर थाना पुलिस एक स्वतंत्र जिला पुलिस एक स्वतंत्र तीन जनिया टीम गठन करता टीम विभिन्न जगार चढ़ाऊ कर गत काली पांच जन को गिरफ्त कर जड़े महिला अच्छा जहाँ कि मास्टर माइंड बोली कहुची आउ ये जो हत्याकांड घटी यह पूर्व शत्रुता अर्थात एक रेलवे रे टिकट बुकिंग टेंडर को लेकिन 2020 मसीह जहाँ गंडगोल घटला और से घटनार पुनरावृत्ति गत 31 तारीख दिन जो भाई घटी कहु तो ये नहीं कि जो हत्यार व्यवहार करते जो मारणास्त्र व्यवहार करते बंधुक जो व्यवहार करते से बंधुक को जो अपराधी मैंने हत्याकांड घटापर जो बुढ़ा बड़ा नदी अच्छी फुलाड़ी पाखे से फुलाड़ी निकट बुढ़ावल नदी तल को फिंगी देखार जहाँ पुलिस को सूचना मिलला ता परवर्त समय आज सका ओड्राफ टीम सहित पुलिस टीम जा खोजाखोजी करुते कि बर्तमान पर्यटन जहाँ आम पाखे सूचना अच्छे जो कि पूर्व आम देखु बर्तमान पर्यटन कौन मारणास्त्र बंधुक बर्तमान मिलना किंतु एने कि विश्व सूत्र जो जमापड़ी पुलिस को किंतु ए जो आउ जो मैंने अच्छा पुलिस को एक बड़ धरण सफलता मिली कहुच्छी जहाँकि बर्तमान से गणमाध्यम आगे प्रकाश करने चाहू ना जेहेतु जिते पर्यत जहाँ कहुच्छे एसपी किसी समय पर आउ किसी घंटा पर एसपी हूँ एने एक प्रेस बृत्ति मध्यम समस्त घटना लोकलोचन को आने पदा को आने कितु कौटना कौटे आम कहीपर जहाँ विशेष सूत्र सूचना मिलूँ मारणास्त्र सहित
ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତ ପୋଲିସକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବା ମୁଖିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ବା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ହାତ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ଏଥିରେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଗୋଟେ ପଟେ ରେଳ ଟିକେଟ୍ର ବିବାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ତ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତର ଦିଗ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ବାରମ୍ବାର ଗୁଳି ଫୁଟୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଏ ଯେଉଁ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ଆସୁଛି ଏବଂ କିଏ ଏହାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କେମିତି ଆସୁଛି ପୋଲିସ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ତ ଅପରାଧୀମାନେ ଅପରାଧ ଘଟେଇକି ବାରମ୍ବାର ଖସିଯିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ସଦର ଥାନା ପାଖରୁ ଯେଉଁ କୁରୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ହୋଇଥିଲା ସେ ପାଖାପାଖି 500 meters ଦୂର ଏବଂ ସକାଳ 9 ସମୟରେ ଯଦି ଏଭଳି ଲୋକମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଏ ତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କହି ଆମେ ଏଥି ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଯେ କି ଗୋଟେ ଲୋକର ଜୀବନ ଯଦି ପୋଲିସ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପାଖାପାଖିରେ ବା ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିଥାନ୍ତା ବା ଅପରାଧୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ ଘଟାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥାନ୍ତା ବା ଏ ଯେଉଁ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ଯେଉଁମାନେ ଆଣିକି ଏଭଳି ଅପରାଧ ଘଟାଉଛନ୍ତି ବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଉଛନ୍ତି ସେ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ ଏବଂ କାହା କାହା ପାଖରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ରହିଛି ପୋଲିସ ଯଦି ଏସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଏ ଜୀବନଟି ବା ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତା ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ନେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ SDPOଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବା କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା SP ଏ ନେଇକି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ରଖିବା ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ପୋଲିସକୁ ଏକ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ମିଳିଛି ଏ 4 ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଆହୁରି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଆଉ କାଳେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଜାରି ରଖିଛି ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ନିବେଦିତା ନିହାତି ପୋଲିସ ଆଉ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ 5 ଗିରଫ ହୋଇସାରିଲେଣି ତା ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାରଣାସ୍ତ୍ରକୁ କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ଏମାନେ ଚାଲାକିର ସହ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି ଏସବୁ ଭିତରେ 5 ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ଆଉ କାହା ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କି ନା ଏଇ 5 ହିଁ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା ଏ ଘଟଣାରେ ଆମେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ସଦର SDPଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ଏ ଘଟଣାର ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ବା କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ 5 ସହିତ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଏ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ହୋଇଥିଲା 2020 ଏକ ରେଳ ଟିକେଟ୍ର କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ତାହା ହିଁ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାର ଯାହା SDPO କହିଥିଲେ ସେହି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଦାସକୁ ଏମାନେ ମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍କୁ ନେଇ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତ ଏ ମହିଳାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଏବେ କେମିତି ଆସୁଛି ତ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆମେ କଥା କହୁଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଯେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯିଏକି କହୁଥିଲେ ଏଥିରେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟର ସମ୍ପୃକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି ହୁଏତ ତା ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତର ଭିତରକୁ ଯଦି ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମକୁ କାଲି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ସଦର SDPO ତ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କି ଏ ଘଟଣାର ଯେଉଁ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି କେବଳ ଏ 5 ନୁହନ୍ତି ଏ 5 ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ଏବଂ ଯାହା ଆଜି ଆମେ ସକାଳେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସୂଚନା ବା SDPOଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ ସେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯଦିଓ ସେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ବା ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେଇଥିଲେ ବା ତଥାପି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଏ ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ଅଛି ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ପୂର୍ବ ବିବାଦକୁ ନେଇକି ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ତ ଏ ନେଇକି ଯାହା କିଛି ସୂଚନା ଦେବେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖିଆ ବା SP ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସବୁ ସୂଚନା ଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଉ ତା ସହିତ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି ଯେ କି ପ୍ରକୃତରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ 5 ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ପୋଲିସ ଏବେ ବି ଏକଥା କହୁଛି ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆଉ କାହା ନାଁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆସିବୁ ତେବେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ପୁଣି ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରା ଚାଲାଣ ଏଥର ବରଗଡ଼ରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଜୀବନ୍ତ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଘେସ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମପାଲି ରାସ୍ତାରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ବଜ୍ରକାପ୍ତା SDF ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ପରେ ଏହାକୁ ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରା ଚାଲାଣ ସନ୍ଦେହରେ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ ତେବେ ବଜ୍ରକାପ୍ତାକୁ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ତା'ର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ
तेज आज आरंभ हो भद्रक ऐतिहासिक काली पूजा यह अवसर में भद्रक अधिष्ठात्री देवी मां भद्रकाली आज सप्तमातृका बेश अनुष्ठित सप्तमातृका बेशर प्रथम दिन में मां जी बेदमाता बेश में भक्त मान दर्शन देखते चलचंचल हो उठी मां भद्रकाली पीठ किंतु कोरोना कटकणा जो गत वर्ष भली चलित बर्ष भी फिका पड़ी मां पूजा केवल विधि अनुजाई मां पूजा अनुष्ठित हो आज ये जो सप्तदिवस व्यापी महाजज्ञ प्रथम दिवस रे माँ आज बेदमाता बेसर भक्त मान दर्शन दे बेदमाता दर्शन रूप दर्शन कले समस्त प्रकार वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान और समस्त प्रकार जो विद्या बुद्धि अधिकारी ही थी भक्त मैने से आज माँ को यही रूप दर्शन करने पूर्वर बहुत लोक भिड़ होता किंतु विगत दुई वर्ष हला ये जो कोविड नियम पर समस्त प्रकार प्रशासन नियम अनुसार भक्त मैंने दर्शन कर पार्थर नियम अनुसार जो आम गेट पाखर माँ को दर्शन करेंगे प्रशासन नियम समस्ते मानिक चल आम मंदिर जो पूजा कमिटी माँ का यज्ञ कमिटी निष्पत्ति अनुसार आम निष्पत्ति नहीं भक्त मान को कोविड नियम अनुसार पांच पांच जन भक्त मान को मंदिर भितर प्रवेश कर दर्शन करने कि दुख परितापर विषय प्रशासन निष्पत्ति अति कठोर थी जोटा कि सबू स्थानीय जनसाधारण और समस्त भक्त को दुख दे चारिड़े सबू जिनस एलाउ करूला बेले हजार हजार लोकर समावेश होता बेले कि दुख परितापर विषय प्रशासन ये निधा विष्णु साजिश प्रशासन ये स्थाणु केवल गोटे मीटिंग स्थिर रहा कौन सी निष्पत्ति प्रशासन सेवायत मानक मानवाक बाध्य भक्त मान सुजोग देला दर्शन करिया करने किंतु दुख परितापर विषय शहे फुट दूर भक्त मैंने दर्शन करुं प्रशासन आम निष्पत्ति सेवायत मानक निष्पत्ति मंदिर कमिटर निष्पत्ति की ग्रहण कला नहीं ना निश्चित भाव बहुत भल लगुच माँ भद्रकाली आम भद्रक अधिष्ठात्री देवी सात दिन धरिकी माँ को सप्तमातृका बेश अनुष्ठित हुए आज माँ को बेदमाता बेश आज निश्चित भाव माँ को आशीर्वाद रु माँ को नाम भद्रक सहर माँ को पाखे एतिके प्रार्थना समस्त जीवन में सुख समृद्धि भरी रहू अन्याय अत्याचार हटु माँ को आज आम प्रथम दिन में पूजा करने को बहुत आनंद लगुच माँ को दीपावली और कालीपूजा पर चलचंचल स्टिल सिटी कटका भितर से ओसा नथिले सबुठ रीतिनीति अनुजाई होउछि पूजार्चना तेरे राउरकेला कालीमंदिर में केमिति होउछि पूजार्चना से संबंध में सूचना देउछन्ति आम प्रतिनिधि सस्मिता तेज राउरकेलू आम प्रतिनिधि सस्मिता अच्छा सस्मिता पाखक जावाक चाहिए सस्मिता प्रथमतः आपण को आलोकर पर्व दीपावली उपलक्षे अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना एवं चित्र देखा चाहिए जे आज केमती चली दीपावली अवसर में माँ को पूजार्चना आपण पछपटे आम देखिप मंदिर में आपड़ अच्छा चित्र देखा चाहिए सस्मिता निहाती आपण को मध्य शुभेच्छा आज दीपावली रे आज हूँ माँ को काली पूजा सीधा सड़क दृश्य देखा चाहिए माँ को पूजा किपर भाव मानने चालू रही भक्त भिड़ धीरे धीरे जमीवे लगी मानने आज दीपावली अवसर में माँ को कोविड कटक मानि माँ को आज दर्शन करने को भक्त मैंने आसी सीधा सड़क आम पूजकों सहित आलोचना करवा माँ को कौन पूजा रही के आरंभ हम चंडी पाठ रही दसटा दसटा बड़े को राति दसटा बड़े हुए चंडी पाठ निहाती भाव आज दसटारू पूजा आरंभ हेब एवं चंडी पाठ मध्य हेब राति दसटारू मध्यरात्रि जेहेतु माँ को पूजा आरंभ हुए सीधा सड़क आम कि भक्त सहित कथा हवा कि केमती आज दिवाली बा काली पूजा को मनाऊ सर नमस्कार आम सकाल आज बाहर छु मैंने काली पूजा पूजा करने आसन चार वर्ष पर राउरकेला आसिक बहुत भल लगुच बहुत शांत परिवेश अच्छे कोविड कटकणा रे एबे पूजा मना जाऊ माने बाण फुटिया पई आठटा रु दसटा पर्यंत कहा जाइपर आप भल टिके मैं आम कोविड प्रोटोकॉल मानिकी आम सब जिते संभव सावधान रे आम टिके सेलिब्रेशन भी करवा ठाकुर को पूजा करने
ଆମେ ଏଠି ଆସୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हिंदी में बोल दीजिए। मुझे इसके बारे में पता नहीं उतना। कहाँ से आए हैं? मैं बड़ा मुंडा से आई हूँ। क्या दीपावली के लिए किस मंदिर से आए? हाँ, मैं दीपावली के लिए आई हूँ। आज टुडे स्पेशल माय बर्थडे आल्सो, दैट्स व्हाई आई विल कम हियर। दिवाली में क्या क्या मनाएंगे? दिवाली में वैसे पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा घर में, और वही स्वीट्स वगैरह बनाते हैं घर में, इसलिए भगवान को दर्शन करने आए यहाँ। ନିହାତି ଭାବରେ ରାଉରକେଲାକୁ ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏଠି ସବୁ ଜାତିର ବସବାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ମାନେ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ବିଷୟରେ ଜାଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଦୀପାବଳିକୁ ମନାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ସସ୍ମିତା, ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆମେ ମଧ୍ୟ କଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି, କଟକଣା ଯଦିଓ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସସ୍ମିତା, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦାସଙ୍କ ଆମକୁ ରାଉରକେଲାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ। ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଯାଜପୁରର ଗଣପର୍ବ କାଳୀପୂଜା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କାଳୀପୂଜାରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଥାଏ ଯାଜପୁର ସହର। ପ୍ରାୟ 42 ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ମା' କାଳୀଙ୍କ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି। ଗତକାଲିଠାରୁ ମଣ୍ଡପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରାତ୍ରିରୁ ପୂଜା ପାଇବେ ମା' କାଳୀ। କରୋନା କଟକଣାରେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 4 ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିନା କୌଣସି ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଗଣପର୍ବ। ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ ଯାଜପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥାଏ କାଳୀପୂଜାକୁ ନେଇ, ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ, ପୂଜା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଟିକେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ ଏବଂ କମ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଜପୁରର ଗଣପର୍ବ କାଳୀପୂଜା ଏବଂ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗଣପର୍ବ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ଅଗଣିତ ଯାଜପୁରବାସୀ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ ସରକାରଙ୍କର କିଛିଟା ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଗଣପର୍ବକୁ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯିବ, ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି କଟକଣା ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ମାର୍କେଟ ପୂଜା କମିଟି ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁ ରହିଛି, କାଳୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ତ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କମିଟିର ରହିଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟମାନେ। ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, କିପରି ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି? ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଆମର ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ଦିର ବା ମାର୍କେଟ ଶ୍ୟାମ ପୂଜା କମିଟିର। ଆର ବର୍ଷ ଏମିତି କରୋନା କଟକଣା ମାନି ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ଏ ବର୍ଷ ବି ସେଇଭଳିଆ ସେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମନା ହେଉଛି ବା 4 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଆଉ ତ ଭାଇ କହିବେ ତାଙ୍କର ପୁରା ବିଷୟରେ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ରହିଛି କେମିତି କରାଯାଏ, ମାର୍କେଟ ପୂଜା କମିଟିର ଯେଉଁ ପୂଜା ରହିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ କେମିତି ରହିଛି, ପୂର୍ବରୁ କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟ ଶ୍ୟାମା ପୂଜା କମିଟି ଯାଜପୁରର ବହୁତ ପୁରାତନ ପୂଜା କମିଟି, ଦୀର୍ଘ 55 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ପୂଜା ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 4 ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବି ସେ 4 ଦିନ ପୂଜା କରାଯିବ। ପୂଜାରେ କୌଣସି କମ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନି କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନେ ସମସ୍ତ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଇ ଯେମିତି ପୂଜା କରିବା କଥା ପାଳନ କରାଯିବ, ଆଉ ସେଇ 4 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଉ ସାଜସଜା ବି କିଛି ହୋଇନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ କରାହେଇଛି। ଯାହା ହଉ, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନି ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ବହୁତ ପୁରାତନ ପୂଜା କମିଟି, ମାର୍କେଟ ପୂଜା କମିଟି, ତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଉତ୍ସବ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ସବ ତ ବହୁତ ଆମର ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଆଉ ଭଜନ ସମାରୋହ ନେଇକି ଏମିତି ଯେ ମେଲୋଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କରାଯାଏ, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ସବୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଉ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ତ କୌଣସି କିଛି କରାହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଆଉ କୋଭିଡ଼ ମାନିକି ଏଇ 4 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ସାଜସଜମ ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାଜପୁରବାସୀ କେମିତି ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇଥାଏ, କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି? କହୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୁରା ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଲୋକ ଟିକେ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ପଦାକୁ, ଆଉ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଆଉ କେହି ସେମିତି ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ, ଲୋକ ଜମା ଆସୁନାହାନ୍ତି।
निश्चित भाव में निवेदिता जहाँ शुणुते आप गोटे प्रकार भाव में जाजपुर जो गणपर्व बर्तमान गोटे प्रकार कोविड फिका पड़ जाए कारण पूर्व जानते परमेश्वर जो जाजपुर गणपर्व कोविड फिका पड़ जा समस्त मन में दुख कोटना कोटि रही जाए जो आडंबर सहित माँ को आराधना कराए बर्ष को गोटे थर अपेक्षा रही है कि कोटना कोटि फिका पड़ जाए अपेक्षा आसंता वर्ष को बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर बेहरिया जाजपुर प्रतिनिधि आम सहित जोड़े बाबद आलोचना करते परवर्त खबर को आसवा दीपावली जगा दर्शन मना पूरी सहरवासी जिला प्रशासन जारी कर कटकणा कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखि श्रीमंदिर चारिपटे लागू होई 144 धारा सिंहद्वार सामने श्रद्धा कावरिया जाड़ा उपर बारण कर पितृपुरुष को दि जाऊ पया श्राद्ध बारण कर भोर 4 मध्य रात जाए यह कटक बलबत्तर रहा पूरी प्रतिनिधि आलोक आशुतोष आम सहित जोड़े आलोक आम प्रति बुलेटिन देखुं पूरी चित्र कौन कहीं जो दुख रही जाइए समस्त मनरे जे पूरी कहीं जापारे बड़ बड़िया डाक पारे एपटे 144 धारा जारी करा निवेदन देखते गोटे भिन्न चित्र आज सामना को आसला कोरोना को आड़ करके प्रशासन परंपरा को भांगा और जो कठोर निष्ठुर मनोभाव आज प्रशासन देखा मिलला आपत जानते जेहेतु आज पवित्र दीपावली रही है श्रीमंदिर तो बंद रही है यहाँ स्वागत करते समस्ते कहीं आप जानते जो निष्पत्ति होता है विशेष पर्वपर्वाणी मानक श्रीमंदिर बंद रण अहेतुक भक्त भिड़ को दृष्टि रखे श्रीमंदिर बंद रीमंदिर तो आज बंद रहा कि बड़ कथा हूँ आज हूँ पया श्राद्ध जो पितृपुरुष मान उदेश जो मैंने महालय अमावास्य श्राद्ध देन था निवेदिता से आज दिन में पिंडदान करूँ से पिंडदान से श्रीमंदिर सिंहद्वार सम्मुखर हो कि उत्तर द्वार सम्मुखें जो स्वतंत्र व्यवस्था करें पिंडदान करूँ प्रशासन जो निष्पत्ति नहीं संपूर्ण श्रीमंदिर चतुष्पार्श्व अंचल और श्रीमंदिर सिंहद्वार को 144 लागू करणसी भक्त श्रद्धा मैंने पितृपुरुष को पिंड दे पार ना कि जो भिन्न चित्र आज देखा मिलला पूरी मरचिकट छक जहाँकि श्रीमंदिर ठारूँ किसी बाट दूर रोचे सेठारे गोटे गोटे पार्श्वे भक्त श्रद्धा मैंने पितृपुरुष उद्देश्य आज पिंडदान कर निश्चित भाव में दृश्य ही समस्त व्यथित करें जो से भक्त मान पचारू आपार पिंडदान कर प्रतिक्रिया रहा प्रथम थर पर इतिहास से पूरी बड़दाण्ड में पिंडदान कले जहाँ को असंतोष प्रकाश करपटे हूँ बड़ बड़ डाक आप जानते काउरिया काठी जलई पवित्र दीपावली में पितृपुरुष मानक आवाहन कराई थे अंधारे आस आलुअर जा बोली स्वर्गरहण जो पितृपुरुष मान से आलोक देखा आज डक जाए कि परंपरा भी आज श्रीमंदिर सम्मुखें आज देखा निवेदिता मिललानी से बड़ बड़ुआ डाक आज सीधासल रोक लगेगा तो निश्चित भाव में सेवायतों ठूँ आरंभ कर भक्त श्रद्धा समस्त यह विरोध कर समस्त असंतोष प्रकाश कर श्रीमंदिर बंद निष्पत्ति को निवेदिता समस्त स्वागत करूँ परंपरा आल में जो भाई भाव में आम करोना आल में परंपरा विरोधी कम आज करजे कहीं हजम कर पार ना हजार हजार लक्ष लक्ष संख्यार भक्त श्रद्धा मानक इच्छा थाए श्रीमंदिर सम्मुखें पिंडदान कर बड़ बड़ुआ डाकिले काउरिया काठी जाड़े निश्चित भाव में परंपरा को भंगा गला कथा को सहजरे के ग्रहण कर मंदिर बंद कले ठीक अच्छे जेहेतु कोविड समय रे बेस कोलाहल सृष्टि हुए समस्त मन टे उत्कंठा था महाप्रभु को दर्शन करूँ ये एक दिन में कितु ता तो बंद है ठीक अच्छे कि जो भाई भाव पया श्राद्ध को बारण करागला काउड़िया का जाड़ा को बारण करागला या कोटना कोटि सहजरे लोके हजम कर पार ना तेणु बोध हुए कोटना कोटि सरकार आंतरिकता अभाव रही जे परंपरा रीतिनीति को सबकि सरकार जलांजलि दे सारी बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आशुतोष पूरी प्रतिनिधि आम सहित ए बाबद आलोचना करते समय सरी बुलेटिन को ये सारे मतलब विदा दिंतु नमस्कार।